तेलंगाना के दुब्बाक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव का मतदान आरंभ हो चुका है। सुबह 7 बजे शुरू हो चुका मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारियों ने मंगलवार को ही उपचुनाव के सभी इंतजाम पूरे कर लिए थे। चुनाव अधिकारी कल शाम ही आवश्यक सामग्री के साथ मतदान केंद्र में पहुंच गए थे। 90 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। दुब्बा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चेरकू श्रीनिवास रेड्डी ने तोगुट मंडल केंद्र के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है कि कुछ टीवी चैनल ने उनके खिलाफ पार्टी बदलने और टीआरएस में शामिल होने का गलत समाचार प्रसारित किया था। ऐसे गलत समाचार प्रसारित करने वाले चैनलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दुब्बाक विधानसभा उपचुनाव में 1,98,807 मतदाता है। इनमें से 97,977 पुरुष है और 1,777 महिला मतदाता है। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों को विशेष रूप से परीक्षण किया गया है। सभी 315 मतदान केंद्रों में ईवीएम लग गए हैं, साथ ही 120 ईवीएम रिजर्व रखे गए हैं। रामलिंगा रेड्डी के निधन के चलते उपचुनाव। गौरतलब है कि टीआरएस के विधायक सोलिपेट रामलिंगा रेड्डी के निधन के चलते उपचुनाव हो रहा है। टीआरएस ने रामलिंगा रेड्डी की पत्नी सुजाता को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने अधिवक्ता रघुनंदन राव और कांग्रेस ने चेरकुग श्रीनिवास रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्तिका जयस्वराज के गौट मलेशम, श्रमजीवी पार्टी के जाजुला भास्कर, इंडिया प्रजा बंद पार्टी के सुनील और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सुकरी अशोक भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 नवंबर को होगी मतगणना। दुब्बाक उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। विश्लेषकों को मानना है कि बीजेपी और टीआरएस के बीच कड़ा मुकाबला है। नव भारत समाचार सिद्दीपेट से रामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।